दोस्तों यहाँ पे हम इस डेटा को वर्कशीट के साथ लॉक करना है। लॉक कहने का मतलब है कि कोई भी अदर यूजर जो है ना तो इसमें एडिट, मॉडिफाई और ना ही डिलीट कर सकता है। तो लॉक करने के लिए सबसे पहले हम वर्कशीट में कहीं पे भी क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+1। आपके सामने फॉर्मेट सेल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन टैब पे क्लिक करना है और लॉक चेक बॉक्स को करना है और यहाँ पे हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ से आप जाएंगे रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब पे यहाँ से प्रोटेक्ट सीट है, उस पर हमने क्लिक किया। यहाँ से हमने अपना पासवर्ड क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पे कहता है री इंटर पासवर्ड, तो हमने पासवर्ड फिर से री इंटर किया और ओके कर दिया। अब इस डेटा में आप कहीं पर भी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज नहीं होगा। यहाँ आपके सामने एक मैसेज आएगा कि आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉक्ड है। तो अनलॉक्ड करने के लिए आपको यहाँ पे दिखेगा अनपोर्ट एक सीट। यहां से हमने पासवर्ड इंटर किया जो बनाया था, इंटर करने के बाद ओके कर दिया। अब आप इस टेबल में कहीं पे भी चेंजेस कर सकते हैं।